स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में कुछ अलग हुआ, जैसे कि राज्याभिषेक हुआ है और साथ ही साथ एक छोटा सा न्याय उस व्यक्ति के साथ जिसको राजगुरु ने ठगा था। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले कि प्रलयंकर क्या करने वाला है और प्रलयंकर की आगे क्या स्टोरी रहने वाली है, उसके विषय में बात करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक हमारे वीडियो कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। तो जैसा आपने प्रोमोज में देखा कि प्रलयंकर उठता है और महाराज को कहता है कि मैं भी आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी तलवार निकल के महाराज की तरफ जाने लगता है, जिससे सभी सैनिक और सभी दरबारी खड़े हो जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहली, प्रलयंकर जाके अपने आप को महाराज को भेंट कर सकता है कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, खुद को आपके चरणों में। या तो ये हो सकता है कि वो अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को भेंट कर दे, या फिर दूसरा एंगल ये हो सकता है कि उसको जो है बाहर निकाला जाए शो से, यानी जो प्रलयंकर का शो, जो प्रलयंकर का जो एक्ट प्ले करते हैं, जो रोल प्ले करते हैं एक्टर, उनका अब शो में कोई काम नहीं है और उनको अलग करने के लिए यहाँ पर ये सीन क्रिएट किया गया हो कि वो महाराज पर हमला करते हैं और साथ ही साथ दरबारी उनको पकड़ लेते हैं, सैनिक पकड़ लेते हैं और फिर पकड़ कर उनको काल कोठरी में या कारावास में डाल देते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो है ख़त्म हो जाता है उनका यहाँ पर सीन, उनका एक्ट। तो इन दोनों बातों में से एक हो सकती हैं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप और किस सीरियल की प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस भी सीरियल की प्रेडिक्शंस देखना चाहेंगे, अपडेट देखना चाहेंगे, उसके बारे में हम आपको बता सकें। साथ ही साथ सोने और चांदी के लाइव भाव के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर रोज़ इस चैनल पर सोने और चांदी के लाइव भाव लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।